हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमनदीप कौर। वेलकम बैक टू द चैनल अमन सिद्धू मैथ्स। और हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, एंड वी आल्सो डिस्कस इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। इफ वी हैव एन इक्वेशन In this differential equation, dy by dx is a first order derivative. This implies that given equation has order 1. Or highest order ki jo power hoti hai, that shows degree of the equation. To highest order ki power yahan pe kya hai? N. That means degree of given equation kya hoegi? N. So this is an equation with first order and higher degree. Mark this equation as number 1. In this given differential equation, P0, P1, P2, so on up to Pn minus 1 and Pn, all are functions of x and y. जो given equation है, उसमें P0, P1, P2, Pn minus 1 and Pn, जो ये सारे functions हैं, ये x एंड y के फंक्शंस हैं, ओके। एंड अगर हम इसी इक्वेशन को, जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें dy by dx की वैल्यू को अपने कन्वीनियंस के लिए कोई स्मॉल p फिल कर दें, देन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? इक्वेशन 1 बिकम्स p नॉट And to solve these kind of equations, we have four methods. Equation solvable for P, solvable for X, solvable for Y and Clorentz form. So firstly, we will discuss equation solvable for P. If we have an differential equation of the form P0, in these equations, capital P0, P1, P2 and Pn, all are functions of x and y, and small p is equals to dy by dx. So to solve such kind of equations, we have to, ऐसी equation को solve करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो भी हमारे पास given डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके फैक्टर्स बन रहे हैं। अगर हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके फैक्टर्स बन रहे हैं, मान लेते हैं कि इसके फैक्टर्स हैं p माइनस एफ वन इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, एंड ऑल्सो p माइनस एफ टू एक्स वाई ऑल्सो ए फंक्शन, एंड सो ऑन p माइनस एफ एन एक्स वाई। ये जो गिवन इक्वेशन है, इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स बन रहे हैं। एज वी नो, फैक्टर्स को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग? फैक्टर्स को सॉल्व करने के लिए हम इसको जीरो को इक्वल इक्वेट करते हैं और वहां से हमारे पास कोई सोल्यूशन आता है। मान लीजिए इन फैक्टर्स को जब हम जीरो को इक्वल इक्वेट कर रहे हैं तो आई हैव सोल्यूशंस लाइक एफ वन एक्स वाई सी वन, और अगर मैंने इस फैक्टर्स को जीरो को इक्वल इक्वेट किया तो वी हैव एक्स वाई सी टू, एंड सिमिलरली फॉर दिस we have x, y and cn. ये सारे इन फैक्टर्स के सोल्यूशन आ जाएंगे, ऐसी फॉर्म के कुछ सोल्यूशन होंगे। दैट मीन्स, लेकिन हमें पता है कि हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, तो जो भी जनरल सोल्यूशन होएगा उसमें कॉन्स्टेंट एक ही रहेगा। तो ये जो सारे c1, c2, c3 या c4 जितने भी कॉन्स्टेंट होंगे उनको हम मान लेते हैं किसी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c के इक्वल। तो ये जो हमारे पास फैक्टर्स को सॉल्व करने के बाद ये जो भी इक्वेशंस या सॉल्यूशंस या फंक्शंस आ रहे हैं, इनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास पूरी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। दैट मींस वी हैव सॉल्यूशन एज ए एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड सी मल्टीप्लाई विद एफ टू एक्स वाई सी सो ऑन एफ एन
x, y and c which is equals to 0. तो इनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी हैव रिक्वायर्ड सोल्यूशन. ये जो मेथड है इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल करेंगे. Now let's move to the example. Here we have p square minus 5p plus 6 is equals to 0. Clearly show हो रहा है कि इसके factors easily बन जाएंगे. Minus 3 minus 2, that means p square minus 3p minus 2p plus 6 is equals to 0. We have p यहाँ से common लेंगे तो p minus 3 minus 2 p plus p minus 3 is equals to 0. p माइनस टू एंड p माइनस थ्री आगे हमारे पास दो फैक्टर्स. तो हमें पता है जब दो फैक्टर्स आ जाते हैं तो हम उसको जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे. तो फर्स्टली हम करेंगे p माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो एंड दिस साइड p माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो. तो एज वी नो p इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स है. तो p की वैल्यू को यहाँ पे फिल करेंगे डी वाई बाय डी एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो. एंड अगर हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन करना चाहें, सबसे पहले हमने 2 को इस साइड कर लिया, तो अगर हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करें तो क्या आएगा हमारे पास. दिस इम्प्लाइज डी वाई इज इक्वल्स टू 2 डी एक्स. और अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेट. इसको इंटीग्रेट किया तो वी हैव y इज इक्वल्स टू 2 एक्स प्लस सी. सी कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है. सिमिलर इन द केस ऑफ p माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो डी वाई बाई डी एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो. एंड इसको हम कैसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री. एंड दिस इम्प्लाइज डी वाई अगर हम वेरिएबल सेपरेशन कर दें तो दिस बिकम्स दिस. एंड नाउ यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग y इज इक्वल्स टू 3x प्लस सी ये सोल्यूशन आ रहा है. तो अब हम जब इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस y प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो. एंड दिस इक्वेशन जो है इसको हम 3x माइनस y प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे 2x माइनस y प्लस सी को मल्टीप्लाई कर देंगे 3x माइनस y प्लस सी के साथ और इक्वल्स टू होएगा 0. ये होएगा हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व 4y स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 2pxy into 3x plus 1 plus 3x cube is equals to 0. To solve this example, firstly we have to simplify this term. This becomes 4y square p square plus 6p x square y plus 2p xy plus 3x cube is equals to 0. अगर हम फर्स्ट टर्म से कोई भी वैल्यू कॉमन लें, ये जो हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स हैं, अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से 2p y कॉमन लूं, तो वी हैव 2p y प्लस 3x स्क्वायर. ओके एंड सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या कॉमन लूँ, मुझे ये फैक्टर चाहिए 2py प्लस 3x स्क्वायर चाहिए कॉमन. तो मैं यहाँ पे क्या लूँगी, यहाँ पे मेरे पास कॉमन क्या आएगा, दैट मीन्स इस टर्म में से x आ रहा है और यहाँ से भी x ही कॉमन आ रहा है. तो ये जब हम x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही टर्म बन रही है. ओके तो दैट मीन्स हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ से 2py plus x एंड सेकंड फैक्टर इज 2py plus 3x square is equals to 0. दो फैक्टर्स बन गए. नाउ वी हैव टू सॉल्व फर्स्टली 2py plus x is equals to 0 को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे एंड सिमिलरली साथ में करेंगे 2py plus 3x square को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे. तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे. ये आएगा 2yp plus x is equals to 0. p की वैल्यू में पता है p is equals to dy by dx होता है. p की वैल्यू यहाँ पे फिल करेंगे 2y dy by dx plus x is equals to 0. Now यहाँ पे हम लोग वेरिएबल सेपरेशन करेंगे y वाली टर्म y के साथ और x वाली टर्म x के साथ. ये इक्वेशन आ जाएगी.
अब इस इक्वेशन को करेंगे हम इंटीग्रेट. जब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो 2y² / 2 आएगा, साथ में प्लस x² / 2 विच इज इक्वल्स टू एनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c. तो यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव x² / 2 प्लस y² इज इक्वल्स टू c. ये टर्म आ रही है और इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, x² + 2y² विच इज इक्वल्स टू 2c. एंड 2c को मैं कोई भी कांस्टेंट c डैश का नाम दे सकती हूँ. दैट मींस वी हैव x² + 2y² - c - इज इक्वल्स टू 0. ये आ रहा है मेरे पास सोल्यूशन फर्स्ट फैक्टर को सॉल्व करने के बाद. सिमिलरली हम सेकंड फैक्टर को सॉल्व करेंगे. तो फर्स्टली 2yp + 3x² इज इक्वल्स टू 0 है. p की वैल्यू फिल करेंगे, 2y dy/dx + 3x² इज इक्वल्स टू 0. नाउ वेरिएबल सेपरेशन किया तो 2y dy + 3x² dx इज इक्वल्स टू 0. तो हेयर जब हमने इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा, 2y² / 2 + 3x³/3 विच इज इक्वल्स टू एनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c डैश. 2 के साथ 2 कैंसिल एंड 3 के साथ 3 कैंसिल एंड वी हैव y² + x³ इज इक्वल्स टू c डैश. एंड इसे हम सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x³ + y² - c - इज इक्वल्स टू 0. ये आ रहा है हमारे पास सेकंड फैक्टर को सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन. तो अब अगर हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो वो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, दैट मींस x² + 2y² - c - x³ + y² - c - इज इक्वल्स टू 0 विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ये आएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. वी हैव p कॉमन हियर 1 + xy एंड दिस टर्म रिमेन्स द सेम. नाउ द गिवन इक्वेशन बिकम्स क्वाड्रेटिक इन p. दैट मीन्स इफ आई एम रीअरेंजिंग द गिवन इक्वेशन इट बिकम्स p² y - 1 + xy p + x = 0. एंड जब भी कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो जाए, दैट मीन्स इफ वी हैव एन इक्वेशन ax² + bx + c = 0, तो यहाँ से हम इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, x = -b + -√b² - 4ac / 2a. सिमिलरली इन केस ऑफ p करेंगे हम, यहाँ पे अगर हमने p की वैल्यू को फाइंड करना है तो दिस बिकम्स माइनस ऑफ b, दैट मीन्स ये आएगा 1 + xy + √b² की जगह पे 1 + xy² आएगा -4x/y / 2y. नाउ फर्स्ट टर्म एज इट एंड इसका अगर हम स्क्वायर ओपन करेंगे 1 + x² y² + 2 x² y² - 4 x y. नाउ दिस बिकम्स 1 + xy + -√1 + x² y² - 2 x y / 2 y. नाउ द अंडर रूट टर्म बिकम्स 1 - xy² दैट मीन्स वी हैव 1 + xy (+-√) में आएगा 1 - xy² एंड डिवाइडेड बाय 2y. और अंडर रूट के साथ स्क्वायरिंग कैंसिल हो जाएगी एंड वी हैव 1 + xy (+-1 - xy) / 2y. अब इसको हम पहले प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे फिर माइनस साइन. अगर हमने प्लस का साइन लिया 1 + xy + 1 - xy / 2y आएगा, और अगर हमने माइनस का साइन लिया तो ये आएगा 1 + xy - 1 + xy / 2y, बिकॉज दिस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे.
तो अब इनको अगर सॉल्व करेंगे ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव 2 डिवाइडेड बाय 2 वाई, 2 के साथ 2 कैंसिल एंड वी गेट 1 बाय वाई। सिमिलरली यहाँ पे 1 के साथ 1 कैंसिल एंड वी हैव 2 टाइम्स एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2 वाई, 2 के साथ 2 कैंसिल, y के साथ y एंड वी हैव लेफ्ट ओनली विथ x। दैट मीन्स यहाँ पे p की जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही हैं 1 बाय वाई एंड x। तो फर्स्टली हम करेंगे, यहाँ पे फर्स्टली हम सॉल्व करेंगे p इज इक्वल्स टू 1 बाय वाई एंड सिमिलरली p इज इक्वल्स टू x। p इज इक्वल्स टू 1 बाय वाई अगर करेंगे p की वैल्यू dy बाय dx होती है विच इज इक्वल्स टू 1 बाय वाई। अब वेरिएबल सेपरेशन करें तो ये आएगा y dy इज इक्वल्स टू डी एक्स। यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर बाय 2 विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आएगा वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट जो फैक्टर है उसको सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन। अब सेकेंड फैक्टर को सॉल्व करेंगे विच इज p इज इक्वल्स टू x, p की वैल्यू dy बाई डी एक्स है और ये x के इक्वल आ गया। वेरिएबल सेपरेशन करेंगे तो dy इज इक्वल्स टू x dx। इसको अगर यहाँ पे हम इंटीग्रेट करें तो वी हैव, इसको अगर यहाँ पे इंटीग्रेट करें देन वी हैव y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी एंड यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो वी हैव एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास सेकेंड फैक्टर का सोल्यूशन। तो अब हमने पूरी इक्वेशन का सोल्यूशन लिखना है तो इन दोनों फैक्टर्स को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। दैट मीन्स वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स माइनस सी इन टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक कॉमेंट शेयर, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।